बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 में आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे हम, और ये बेस्ड है कि ग्राउंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या हैं, कि जो माइनर और मेजर पनिशमेंट का डिसीजन लेना होता है वो कौन से ऑफेंसेस हैं, किस तरह का जो एम्प्लॉई है, मेंबर ऑफ द फोर्स है, उसका एक्शंस होंगे, उसका बिहेवियर होगा, उसका कंडक्ट होगा, तो उस पर कोई ना कोई पनिशमेंट लागू होना बनती है। तो ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे पनिशमेंट उसको अवॉर्ड की जाएगी। वेयर ए मेंबर इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हो, यहाँ पे इंस्पेक्टर वगैरह नहीं होगा बल्कि हायर लेवल पे होगा, जो डायरेक्टर लेवल पे या डायरेक्टर जनरल के लेवल पे, तो वो जब फील करेगा कि उसके मुताबिक ये चीज़ हो रही है तो फिर वो पनिशमेंट की तरफ। इज़ इन एफिशेंट और हैज़ सीज टू बी एफिशेंट, कि जो बंदा अब काम नहीं करता या इदारा जिसने उसको हायर किया है, यहाँ पे हम ANF की बात कर रहे हैं, तो जो ANF ने हायर किया हुआ है जिस मकसद के लिए, वो अभी मकसद पूरा नहीं कर रहा, और उसके जो एक्शंस हैं उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि आने वाले वक्त में उसको जितना भी मोटिवेट कर लें वो एफिशिएंट होने वाला भी नहीं है। सेकंड, बी इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं है, जो एक मॉरली एथिकली उसका बिहेवियर विद इन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो नहीं है, मिसकंडक्ट है, गलत काम करता है, मतलब जो उसके सर्विस के रूल्स हैं उनको वायलेट करता है। पॉइंट नंबर सी है यहाँ पे, इज़ करप्ट और मे रीज़नेबली बी कंसीडर्ड करप्ट, वो करप्ट है, या फिर अगर ये चीज़ साबित नहीं हुई उस पर करप्शन की, लेकिन इसके बावजूद रीज़नेबली बी कंसीडर्ड करप्ट बिकॉज कुछ ऐसे शवाहद हैं जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि वो करप्ट है, वो कौन से ग्राउंड्स हैं, ही इज़ और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम और ऑन हिज बिहाफ इज़ इन पोजेशन फॉर विच ही कैन नॉट रीज़नेबली अकाउंट ऑफ पिक्यूलिनरी रिसोर्सेज और एनी प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, कि या तो वो खुद या फिर उसके उसके डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन कि उसकी मिसेज, बीवी, उसके बच्चे, और अगर उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, उनका अपना इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जो भी उसके फैमिली मेंबर्स में से उस पर डिपेंडेंट होगा, उसका लाइफस्टाइल, उसके पास सहूलियात, उसके पास कोई प्रॉपर्टी, उसके पास कोई भी मलकियत में ऐसी चीज़ें जिसका ये जवाब ना दे सके, अकाउंटेबिलिटी ना प्रोवाइड कर सके, या फिर उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है यानी जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा उसके अखराजात चल रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर एक नॉर्मल सिपाही होगा ANF के अंदर, वो नॉर्मली अगर उसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, तो ऐसी वो लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकता जिससे उसकी अखराजात जो हैं पर मंथ बेसिस पे 1 लाख प्लस हों, या फिर उसके पास गाड़ी बंगला कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि उसका इनकम उसको इस पोजीशन पे लाने के लिए सपोर्ट नहीं करती। अगर ऐसी चीज़ें हैं और उसे सवाल किया जाए और वो अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर दे कि ये सोर्सेज उसके स्टैंड बाई कोई अगर बिज़नेस है, स्टैंड बाई उसकी अपनी कोई ज़मीनें हैं, या कोई उसके वालदैन की तरफ से उसको कुछ ऐसा बिज़नेस मिला जहाँ से उसकी इनकम आ रही है और जिससे उसने ये अपने असासे बनाए या ज़िंदगी की जो पुरासाइश सहूलियात थे वो इंजॉय कर रहा है, वो प्रूव कर देता है, तो वो गिल्टी नहीं रहेगा, ना उस पर आप एक्यूज़ उसको कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर क्या चीज़ इंडिकेट करेगी, ही हैज़ अज्यूम्ड ए स्टाइल ऑफ लिविंग बियॉन्ड हिज ऑस्टेंसिबल मीन्स, यानी कि जो उसके रिसोर्सेज हैं उससे बढ़ के उसके अखराजात हैं, उसका लाइफस्टाइल उसकी तनख्वाह के मुताबिक उसको सपोर्ट नहीं करता जो वो गुजार रहा है। थर्ड नंबर पे, ही हैज़ ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग करप्ट,
उसका एक इदारे के अंदर या जहाँ पे वो वर्किंग कर रहा है वहाँ पे ये चीज़ समझी जाती है कि ये करप्ट है। तो एविडेंस के लिए सामने कोई भी ना आए, अगर पूछा जाए कि इसके बताएं जी ये करप्शन करता है या नहीं, कोई भी गवाही शायद ना दे, लेकिन ओवरऑल वो मशहूर है कि करता है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई सबूत लेके सामने ना आए तो उसको आप कह सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन ही करप्ट के तौर पे है। पॉइंट डी है, ही इज़ एंगेज और इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग एंगेज इन सबवर्सिव और नारकोटिक्स एक्टिविटीज़। सबवर्सिव वो जो स्टेट ने रूल्स एंड रेगुलेशन मुहैया किए हैं किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो क्राइम्स को या तो जो है खुद कमिट करता है या उनको कमिट करने में हेल्प करता है, तो उसमें नारकोटिक्स के रेलिवेंट एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं, क्योंकि वो ANF का बंदा नारकोटिक्स के साथ डील करने वाले लोगों को अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उनका काम ही उनको इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना और सोर्सेज को मालूम करना है। तो अगर किसी के साथ मिली भगत थे वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको आप जो है वो यही कहेंगे कि वो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में है और इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दोज एंगेज इन सबवर्सिव और नारकोटिक्स, या फिर खुद इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरा कोई एक पार्टी जो ये काम करती है उसको सपोर्ट करता है, उसको परमिट करता है, या फिर उस पर जो है उसकी जो है जहाँ पे उसकी ड्यूटी उसको रिक्वायर्ड है कि उसको रोके, लेकिन वो रोकता ही नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन लीक करके उसको प्रोटेक्शन देता है, तो इस तरह की जो उसका बिहेवियर होगा वो भी ऐसे होगा। तो इसमें सबवर्सिव और नारकोटिक्स एक्टिविटीज और इज़ गिल्टी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि जो गवर्नमेंट के राजों की बात है को वो भी दूसरों को बताया, लेट्स सपोज उस पर कोई रेड होने वाला है और उसको पता चल जाता है कि फलां टीम उस पर रेड करने वाली है, तो वो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन लीक कर देता है, उसको बता देता है कि अपना जो है वो तैयारी कर लो या आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि यू आर अंडर द एक्शन। तो इस तरह का मामला भी जो है वो भी उसके लिए गिल्टी साबित करने के लिए काफ़ी है, एंड हिज़ रिटेंशन इन सर्विस इज़ देयरफॉर प्रेजुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। तो उसका उस सर्विस में रहना स्टेट के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है स्टेट को। द अथॉरिटी मे इम्पोज ऑन हिम वन आर मोर पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के ज़रिए जो सब सेक्शन में वन में पनिशमेंट्स का जिक्र है उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी पनिशमेंट्स अवार्ड की जा सकती हैं एट अ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।